हेलो मैम, कुछ याद है, एक बार फिर नया वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके सामने। इससे पहले जो इसके पहले वाला वीडियो था वो था अपना इसी के ऊपर, इसका पार्ट वन था, अमीर अमीर क्यों है और गरीब गरीब क्यों है। तो उसके अपन ने कुछ टॉपिक बताए थे आपको, पहला सामाजिक जागरूकता के कारण, शिक्षा के कारण, अंधविश्वास के कारण, स्वार्थीपन और शो ऑफ के कारण। तो जिसने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक, मैं उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। तो अब आज इसका पार्ट टू शुरू करते हैं। तो लास्ट में अपन बात की थी शो ऑफ की, तो जो शो शो ऑफ का ऐसा था अपना कि जो अपन अमीर लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, पैसे बचाते हैं, सेविंग्स करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जो एवरेज पर्सन होता है, मिडिल क्लास या गरीब व्यक्ति कहना चाहिए, वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो ज़्यादा अपने खर्चे, अमीर व्यक्ति खर्चे कम करता है गरीब की, ज़्यादा गरीब की अपेक्षा। अब जैसे अमीर के पास 50 रुपये हैं तो उसमें से ये बस 20 रुपये खर्च करेगा, लेकिन गरीब के पास अगर 50 रुपये हैं तो 20 में से 30 से 40 रुपये खर्च कर देता है और मात्र 10 रुपये की सेविंग करता है। तो इसी पे अपन एक आज आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, गरीब और गरीब क्यों होता जाता है और अमीर क्यों हो जाता है, उसके बेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं उस स्टोरी को। उससे पहले इसको साफ कर दूंगा। एक साइड अमीर लिख लेंगे, एक साइड गरीब। तो आपको मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो स्टोरी ऐसी है कि एक गांव में दो, एक अमीर आदमी रहता है और एक गरीब आदमी रहता है। तो अमीर आदमी बहुत अमीर रहता है, गरीब आदमी बहुत नॉर्मल, मतलब ठीक ठाक रहता है। बट गरीब आदमी हमेशा भगवान से शिकायत करता रहता है कि भगवान मैं गरीब क्यों हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ और वो इतना अमीर क्यों है। तो एक बार भगवान दोनों से उससे परेशान आकर दोनों को, जो अमीर आदमी था और जो गरीब आदमी था, दोनों को सेम लेवल पर ला देते हैं। दोनों मतलब अमीर को भी गरीब बना देते हैं और दोनों फिर से अपनी नई जिंदगी शुरुआत करते हैं, नदी किनारे रहते हैं। तो दोनों क्या सोचते हैं कि वो तालाब से या नदी से मछली पकड़ेंगे और उसको बेचकर व्यवसाय शुरू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट दिन जो अमीर व्यक्ति होता है वो भी अपना मछली पकड़ने का सामान लेके जाता है और गरीब व्यक्ति भी जो रहता है वो मछली पकड़ने का सामान लेके जाता है, ठीक है। फर्स्ट दिन दोनों 100 रुपये का, 100 रुपये की मछली, दोनों 100-100 रुपये की मछली पकड़ते हैं और उसमें से जो अमीर आदमी होता है वो उसमें से 10 रुपये का सामान, मतलब 10 रुपये का वो खाना खाता है, ठीक है, 10 रुपये का वो और घर का सामान लेता है, और बाकी के जो 80 रुपये होते हैं, जो 80 रुपये होते हैं उनमें से वो 20 रुपये की नई मछली पकड़ने की नई मछली जाली लेता है, मछली पकड़ने के औजार लेता है, और वो अगले दिन 10 रुपये देकर एक नए आदमी को काम पे रखता है, ठीक है। एक नए आदमी काम रखा, अब कितने हो गए, 10, 20, 40 और 50 रुपये। ये 50 रुपये उसने फर्स्ट दिन खर्च किया और 50 रुपये उसने इन्वेस्ट सेविंग में रख लिया अपने। लेकिन वहीं पे क्या करता है गरीब आदमी, कहता है 50 रुपये का तो सीधे खाना खा लेता है, 30 रुपये की वो अपने नीड्स, जो उसके घर का सामान रहता है या कपड़े लत्ते या जो भी कर लेता है वो, और बचे जो 20 रुपये, वो 20 रुपये वो सेविंग में रखता है, ठीक है। तो अगले दिन वो लोग फिर जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो पहले अमीर आदमी सिर्फ एक था बट उसने एक और को हायर कर लिया, तो 1 + 1 कितने हो गए, दो लोग। अब इस बंदे के लिए दो लोग काम कर रहे हैं और ये अभी भी अकेला है। अब जहाँ इसने एक फर्स्ट दिन 100 मछली पकड़ा था तो ये 200 मछली पकड़ेगा, लेकिन ये अकेला तो इस बार भी ये 100 ही मछली पकड़ेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि इसकी जो हुई ग्रोथ हुई वो दोगुनी हो गई। किस वजह से, उसने मात्र 30 रुपये इन्वेस्ट किया, 20 रुपये का नया मछली पकड़ने का सामान लिया और 10 रुपये उस आदमी को दिया, अब एक बंदे को हायर करके रखा अपने काम पे। तो 30 रुपये देकर उसकी कितना, 70 रुपये ज़्यादा उसने कमा लिया, ठीक है। बट इसने वही किया, फिर से 100 रुपये इसके पास आए, इसने फिर से जो यहाँ सेम पैटर्न किया था, 50 रुपये खाने में खर्च किया, 30 रुपये घर का सामान और 20 रुपये की सेविंग, ठीक है। अब इसके पास भी, अब सेकेंड दिन की इनकम भी किसकी, दोनों की कितनी हुई, इसकी 200 हुई और इसकी फिर से 100 हुई, इसकी 200 हुई और इसकी 100 हुई फिर से सेकेंड डे, ठीक है। तो इसने फिर से मात्र 10 रुपये का खाया, ठीक है, 10 रुपये का घर, 20 रुपये खाया, हाँ 20 रुपये खाया, 10 रुपये का घर का सामान लिया और बाकी के 20 रुपये तो वो नए बंदे को मछली के पकड़ जाला ले लिया, तो 10, 20, 15 रुपये देगा उस बंदे को हायर करा, और एक और बंदा हायर किया 15 रुपये में और 20 रुपये का उसके लिए उसने सामान खरीदा मछली पकड़ने का। तो कितने का, 20 और 10 30 और 30 50,
पचास, साठ, सत्तर, 80 रुपये। आज उसने 80 रुपये इन्वेस्ट खर्च किया और यहाँ 120 रुपये उसने सेविंग में रख लिया। और इसने वहीं पे 50 रुपये का फिर खाना खाया, 30 रुपये का फिर सामान लिया और 10-20 रुपये इसने इन्वेस्ट किया मात्र, तो इसके फिर पैसा खत्म। इसके 120 रुपये सेविंग हो गई। उसके लिए अब तीन लोग काम करने लगे। इनने फिर तीन लोग काम करने लगे और इसके लिए अभी भी एक ही लोग काम कर रहा है। तो इसने थर्ड डे जो अमीर आदमी, उसने फिर 300 मछली पकड़ लिया और इसके पास फिर 100 ही मछली बची। ऐसा ही पैटर्न चलते रहा। देखते ही देखते ही आदमी अमीर हो गया। अब इसके पास कम से कम 50 लोग बंदे हायर करके रख लिए इसने मछली पकड़ने के लिए। यह अभी भी अकेला है। यह आज लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है, फरारी में घूम रहा है, ये अभी भी साइकिल ही चला रहा है। तो इसने क्या किया, इसने दिमाग से खेला कि ये स्टार्टिंग में अपनी इन्वेस्ट करके बचत करके सही जगह इन्वेस्ट करके उसने पैसे कमाए। बट जो गई है उसने शो ऑफ में ज़्यादा ध्यान दिया कि अच्छा खाऊंगा, अच्छा पहनूंगा। तो वही आज हम लोग भी क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ स्टोरी थी। ये तो जस्ट एक स्टोरी थी, लेकिन रियल लाइफ में भी यही हो रहा है हमारे साथ कि जो आज का यूथ है वो क्या कर रहा है। जो मैक्सिमम जो एंटरप्रेन्योर्स माइंड का होता है, जो बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करता है, वो क्या करता है, अगर उसके पास 2000 रुपये हैं, जस्ट लाइक दो दोस्त हैं, रियल लाइफ बता रहा हूँ, उसके पास 2000 रुपये हैं, जो एंटरप्रेन्योर दोनों हैं, दोनों मिडिल क्लास के हैं, बट जिसके पास अच्छा दिमाग है, बिजनेस की सोच रखता है, वो 2000 रुपये हैं उसको खर्च करने को मिले, तो उसमें से वो 1000 रुपये वो सीधे सीधे वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेगा, ऐसी जगह सेविंग करेगा जिससे उसको कुछ फ़ायदा हो। और वो मात्र बता रहा हूँ आपको, 200 रुपये की टी शर्ट पहनेगा, 500 रुपये का जीन्स पहनेगा, बाकी के 300 रुपये वो अपने खर्चे पे निकालेगा, बाकी का 1000 सेविंग कर लेगा। बट वहीं पे अपोजिट में जो होता है अपना, जो अलग थिंकिंग होती है, जिसकी बिजनेस माइंड नहीं रहता, जो सिर्फ अपने शो ऑफ पे ध्यान देता है, शो ऑफ वाला बंदा, वो वहीं पे उसकी जो वो 500 रुपये की टी शर्ट पहनेगा, 700 रुपये का तो वो जीन्स पहनेगा, हो गए 1200 रुपये, ठीक है, बाकी के वो 700 रुपये अपने खर्चे पानी में उड़ा देगा, जस्ट लाइक का खाना पीना खाने में, यहाँ वहाँ घूमने में, फलान ढिकान। तो ये सेविंग पे ध्यान नहीं देता शो ऑफ वाला बंदा, जिसकी वजह से वो आज जो है, जब वो 18 साल का था तब भी वो उतना ही था, और जब वो 23 साल का, 25 साल का होगा तब भी वो उतना ही है। बट जो 1000 सेव कर करके रख रहा है, वो 25 साल तक ये यहाँ पहुँचा है, इतनी ऊँचाई पहुँचा, तो ये इतनी ऊँचाई पहुँच जाएगा। तो जस्ट लाइक अपन को क्या करना है, सीधा मतलब ये कि अगर आपको अमीर बनना, तो आपको जो गलतियाँ करते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर बता चुका था मैं, ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रखते हैं बाहर की दुनिया से, क्या चल रहा है बिज़नेस मार्केट में, इसकी फैसला नहीं रखते, शिक्षा सिर्फ स्कूली शिक्षा लेते हैं, बिज़नेस शिक्षा नहीं लेते, बुक्स नहीं पढ़ते, नॉवल्स नहीं पढ़ते, तो ये सब गलती नहीं करना। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है या आपको जॉब भी करना है, अच्छी फील्ड में जाना है, तो आपको ये सब काम करना ज़रूरी है ना। तो यही था आज के टॉपिक पे, कि सबसे मेन टॉपिक ये बताऊंगा कि आपको शौक बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना चाहिए अपन को, अपन को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चादर होती है। चादर मतलब ऐसा नहीं, कई लोग बोलते हैं कि ज़्यादा पैर फैलाना चाहिए, वो फैलाना चाहिए जब आपके पास पैसा हो, आप कैपेबल हो उस चीज़ के लिए, बट आप नहीं हो, आपको लाइफ में ग्रोथ करना है, तो आपको ज़्यादा सोफ नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मैनी ऑफ मिलेनियर्स, है ना। एंड एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हैं कि, लिख के बताता हूँ आपको, बहुत ही अच्छी चीज़ है, हर कोई आज, हर कोई दूसरा बंदा बोलता है, क्या बोलता है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है भाई, सबसे बड़ा झूठ है, मनी से सब कुछ आ सकता है। चलिए आप कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम में हो, अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा खाना, ऊंची क्वालिटी का फूड, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे क्वालिटी के क्लॉथ्स, अच्छी जगह घूमेंगे, है ना, ट्रैवलिंग, अच्छी जगह घूमेंगे, अच्छी अच्छी कारें चलाएंगे, अच्छी अच्छी बाइक चलाएंगे, ठीक है, आपके पास अच्छा पैसा रहेगा तो अगर आप पागल हो कि आपके पास खाने को अच्छा है तो आप खुश नहीं होगे, आपके पास पहनने को अच्छा है आप खुश नहीं होगे, आपके पास घूमने के लिए अच्छा है आप खुश नहीं होगे। तो ये सब सबसे बड़ा झूठ है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी से सब कुछ आ जाता है, वो सब फालतू की बातें हैं। ये अगर आप सुनो, जो फिलोसफी होती है ना, जब तक जेब में पैसा हो ना तो फिलोसफी नहीं झाड़ना चाहिए, एक बार पैसा चाहिए जितनी फिलोसफी हो झाड़ लो, लेकिन पैसा नहीं है जेब में तो ये फिलोसफी कोई मतलब नहीं रहता। एंड चलो ये चीज़ से सुख नहीं मिलता आपको, एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप गरीबों की मदद कर सकते हो, क्या आपको उससे सुख नहीं मिलेगा, उससे आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी, आपको उससे पुण्य भी मिलेगा, आपको सुख भी मिलेगा।
आप अनाथ आश्रम खोल सकते हो पैसे से, आप कुछ अच्छा कर सकते हो जरूरतमंदों के लिए, इस चीज से आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो ये सब फालतू बात है कि खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। तो भाई कुछ आए हो तो कुछ करके जाओ, खाली हाथ जाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। या नाम कमा के जाओ या पैसा कमा के जाओ, कुछ कमा के जाओ कि नाम हो तुम्हारा। जस्ट लाइक वो बोलते हैं ना कि बिना कपड़ों के आते हैं, बिना कपड़ों के मर जाएंगे, तो वैसी वाली जिंदगी अच्छी नहीं है दोस्त। तो बस यही कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।